नमस्कार, मैं सारिका द सेकेंड वाइफ लजीज खाना पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं चठैल यानी कंटोला उसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसे आप किसी भी तरीके से बनाकर खाएंगे तो बहुत ही फायदेमंद होता है। और बहुत लोग की शिकायत आती है कि इसकी सब्जी अच्छी नहीं लगती और अच्छी बनती नहीं, तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, इस सब आपको मिल जाएगा। एक पैन गरम करेंगे गैस पर और उसमें कुकिंग ऑयल गरम करके हरी मिर्च डाल करके पकाएंगे। हरी मिर्च को जलाना नहीं है, थोड़ा सा पका लेंगे और फिर इसमें कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे थोड़ा सा, एक चम्मच। इसको थोड़ा पकने के बाद प्याज डाल करके पकाएंगे, बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें बिल्कुल मसाला नहीं है, ये प्याज को बिल्कुल सॉफ्ट करना है, थोड़ा सा जलाना नहीं है। नरम हो जाने के बाद में इसमें वो चठैल का जो सब्जी है उसको डाल करके मिला लेंगे। मैं बार बार चठैल बोल रही हूँ, लेकिन अलग अलग जगहों पर इसे चठैल को अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं कंटोला या कहीं मीठे करेले के नाम से लोग जानते हैं। और जगहों की बात तो मैं नहीं बता सकती कहाँ कहाँ, बहुत जगह है, बहुत जगह लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। अब इसको ढक्कन से 5 मिनट के लिए ढक देंगे और 5 मिनट के बाद इसे खोल करके फिर चलाते हुए इसे पकाएंगे। अगर आप मसाला नहीं खाना पर चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए ये शिकायत भी दूर कर रही हूँ, क्योंकि ये केवल प्याज तड़के से और नमक हल्दी और थोड़ी सी गरम मसाला की मदद से और मिर्च हरी मिर्च से बनाई हूँ, बिना पानी का, बिल्कुल पानी की एक बूंद भी नहीं, और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई हूँ। जिसे मसाला नहीं पसंद है उन लोगों के लिए, और इसे फिर एक बार ढक देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इसे ढकते हैं 5 मिनट के लिए फिर से, और फिर देखेंगे 5 मिनट के बाद इसकी क्या स्थिति है। देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है, इसे अब नहीं ढकेंगे, देख सकते हैं। फिर तो दिखाते हैं, इसे दबा करके थोड़ा, ये बिल्कुल पक चुका है, अब इसको नहीं ढकना होगा। ऐसे ही फैला करके इसे थोड़ा क्रंची बनाना है, जिससे स्वाद इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। देख सकते हैं ऐसे ही, अब इसमें थोड़ी सी गरम मसाला डाली, इससे फ्लेवर इसका और निखर जाएगा, खाने में अच्छा लगेगा। जो लोग मसाला नहीं पसंद करते हैं उनके लिए, ऐसे तो सब लोग खा सकते हैं, लेकिन जो मसाला नहीं खाते हैं मैं इसलिए बोल रही हूँ। और ये रेडी है, अब मैं सर्व करती हूँ। आप लोग इसे एक बार ज़रूर बनाकर एंजॉय करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी जो भी नई रेसिपी आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँच पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ।